विज्ञान ये जो विधानसभा के चुनाव पर कितना निर्भर करेगा, क्योंकि 2018 के आधार पर बहुत सारे लोग प्रेडिक्शन करते हैं कि भाई विधानसभा के चुनाव में पिछली बार बीजेपी तीनों राज्य हार गई, लेकिन देखो उन्हीं राज्यों के अंदर कांग्रेस बुरी तरीके से मात खा गई। तो क्या ये सही होगा कि विधानसभा के चुनाव पे अगर मान लीजिए कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो उनके फेवर में नैरेटिव बन सकता है, उनका वोट परसेंटेज बढ़ सकता है? अभी क्या अनम्यूट योरसेल्फ आउट करने के लिए कि जब कोई फॉर्मेशन नहीं है, सामने कैंडिडेट का पता नहीं है, तो जो चाहे सो सर्वे कर ले। और सर्वे जो है चैनल की टीआरपी लाने का, हम और आपने ये काम बहुत किया है, एक धंधा है, उससे ज्यादा नहीं है। तो ये धंधा है, तो लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। और आजकल के तो पत्रकार ऐसे हैं जो सर्वे का इंतजार करते हैं सीटें को प्रेडिक्शन करने के लिए, क्योंकि तो उनके खुद की पत्रकारिता में इतना दम नहीं है कि बता पाए। तो जब कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएंगे और मुझे पता चलेगा कि फला के सामने फला लड़ रहा है, तब मैं देखूंगा कि कौन सा वोटर, सी वोटर, डी वोटर, पी वोटर, टी वोटर, कौन सी सर्वे किसके लिए कर रहा है। बिल्कुल एब्सोल्युटली विद विनोद शर्मा, इट इज अटरली वेस्ट ऑफ टाइम एंड ऑफ कोर्स अ वे ऑफ गेटिंग टीआरपी टू गेट रेवेन्यू। ठीक है, धंधा है और कुछ नहीं है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ये न 14 है न 19 है, ये दो फंडामेंटल बातें समझनी पड़ेंगी सबको, क्योंकि 14 और 19 दोनों की स्थिति में कोई कंसोलिडेटेड ऑपोजिशन का जवाब नहीं मिल रहा था। ध्यान रखिए इस बात को, पहली बार ऐसा हुआ है कि वो जनता, मेरे घर के ड्राइवर, मेरे घर में जो काम करते हैं लोग, मैं बहुत यात्रा करता हूं, जो मिलते हैं लोग एयरपोर्ट पे मिलते हैं, रेलवे स्टेशन पे मिलते हैं, वो पहली बार एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे, अगर आपको पहचान लेते हैं तो पूछते हैं कि ये इंडिया क्या है सर। सी, पहले हम क्या कहते थे कि मोदी के सामने कोई विकल्प नहीं, यही कहते थे ना हम। अब वो सवाल पलट कर ये हो गया है कि ये इंडिया क्या है। अब वो तो इंडिया को बताना पड़ेगा कि उनका स्ट्रक्चर क्या है, लीडर क्या है, उनके आधार क्या है, पॉलिसीज क्या है। विरोध ने दूसरा पॉइंट भी बहुत अच्छा रखा कि उनको उजागर करना होगा कि मोदी के खामियां क्या है, मोदी की गलतियां क्या है, मोदी की लफाजी क्या है, मोदी के टॉल प्रोमिसेस क्या है, ये सब उनको उजागर करना पड़ेगा। इस देश में माफ करिएगा, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, ये बेरोजगारी फेरोजगारी पे कोई चुनाव कोई वोट देता नहीं है। यहाँ के लोगों को मैंने देखा है कैसे वोट देते हैं। तो वो मास्टरी मोदी के पास है लंबी लंबी देने की, कि जिसको लपेटा जा सके हमारे यूपी के भाषा में, वो मास्टरी है। इसीलिए शायद नीतीश कुमार उसका आंसर बने। मैं हमेशा सोचता हूँ शायद लालू यादव एक्टिव होते तो बहुत अच्छे आंसर होते इस लफाजी का। बट फंडामेंटली तो हमें ये पहले देखना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। और तीनों इलेक्शंस की जो बात आशुतोष आपने पूछी वो बहुत वैलिड सवाल है, क्योंकि ये हम सब जानते हैं, सारे तजुर्बेकार लोग यहाँ बैठे हैं, हम सब जानते हैं कि धर्मेंद्र ने कुछ एक दो बड़े अच्छे पॉइंट रखे कि इंडिया में एक मूड सेट होता है चुनाव से दो तीन महीना पहले। अभी तो ये कह रहे हैं दिसंबर ही में करा देंगे, तो एक मूड सेट होता है। तो इसलिए स्टेट इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर। ये खाली थ्योरी दे देना कि ये हम पिछली बार राज्य का चुनाव हारे थे, सॉरी राज्य का चुनाव हारे थे और हम लोकसभा जीते थे पिछली बार, यू नो एवरी हिस्ट्री डजंट हैव टू रिपीट इटसेल्फ। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में आप कोई चुनाव उठा के देखिए, एक पीरियड होता है, सारे एनालिस्ट आपको बताएंगे, कार्तिक के नौजवान यहाँ बैठे हैं, एक मूड सेटिंग पीरियड होता है। अभी तो वो आया ही नहीं है, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा ना कि आपको जल्दी चुनाव कराना, कल सुबह डिक्लेयर करिए ना, कल सुबह तारीख अनाउंस करिए, 5 फेज का 7 फेज का। हमें क्यों कंफ्यूजन में रख रहे हैं, हम वोटर हैं, हम भारत के वोटर हैं, हमें क्यों कंफ्यूजन में रख रहे हैं अपनी राजनीति करने के लिए। ये तो मूड सेटिंग विल श्योरली बी डन बाय द 3 state elections। आशुतोष, आई हैव नो डाउट ओवर इट। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।